आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ। हम बताएंगे आपको कि नेस्टेड इफ किस तरह से यूज किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई स्लैब्स हो तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए सेल्स देता हूं और सेल्स में हम कुछ नंबर्स देते हैं और यहाँ पे मेरे पास स्लैब्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर जीरो यहाँ पे 0 to 40 हुआ तो मुझे 500 देना है और यहाँ पे अगर 41 to 80 है तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए 1000 देना है और 81 to 100 है तो मुझे देना है 2000 और ग्रेटर देन 100 पे हमें देना है 1000। इस तरह की मान लीजिए 500 तो स्लैब्स है। तो यहाँ पे गौर देने वाली बात आप देखिए कि जितने भी हमारे पास क्राइटेरिया है हर क्राइटेरिया के लिए कुछ ना कुछ है, हर क्राइटेरिया के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो यहां पे हम नीचे से घटते क्रम में लगाएंगे, हम देंगे यहां पे कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेस देन माफ कीजिए इक्वल टू अगर 1000 है तो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं 1000 नहीं होगा 40 होगा, लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे 500 आएगा। एंड इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो यहां पे आएगा 2000। फिर अगेन हमने इफ लगाया, इसको दिया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो आए 2000, यहां पे 1000 होना चाहिए 2000। और फिर वापस हमने इफ का कंडीशन दिया और बोला कि अगर ए लेस देन नहीं ग्रेटर देन हाँ ग्रेटर देन 100 है तो यहां पे आना चाहिए 5000। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए टू लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500। फिर हमने दिया कि इफ ए टू लेस देन इक्वल टू 80 है तो अब यहां पे ध्यान की बात है कि अगर यहां पे ए टू 40 से छोटा होगा तो यहीं पे 500 दे देगा और बाकी सारे इफ को इग्नोर कर देगा। ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़ेगा, फिर देगा ए टू अगर लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1000 देगा, नहीं तो फिर वो तीसरे कंडीशन की तरफ बढ़ेगा कि ए टू अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000 होगा, नहीं तो फिर आगे तक बढ़ेगा और इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करता जाएगा। अब यहां पे एक चीज देखिए कि हमने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, हम सारे ब्रैकेट ओपन किए, तो ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ब्रैकेट को क्लोज कर देगा और फिर आप नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दीजिए। समझ में आया डाउट इसमें आप लोगों को? अब ऐसी को हम दूसरे एग्जांपल के तौर पर बताएं आपको, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कुछ नेम है स्टूडेंट्स के और उनके
स्कोर से या रिजल्ट स्कोर कर लीजिए, मार्क्स कर लीजिए, मार्क्स प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि अगर किसी की रिजल्ट 30 से नीचे है तो यहाँ पे फेल होना चाहिए। अगर वो 30 to 60 के बीच में होगा तो आना चाहिए। हेलो, सॉरी सर, मेरा इंटरनेट रीस्टार्ट, सॉरी मेरा मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था, वो लाइट फ्लक्चुएट हुई थी इस कारण से रीस्टार्ट। और 61 to अगर 80 हुआ तो आना चाहिए सेकेंड डिग्री। और 81 to 100 हुआ तो फर्स्ट डिग्री। तो मेरे पास इस तरह की यहां पे हमें रिजल्ट को शो करना है, क्राइटेरिया आप देख रहे हैं और रिजल्ट भी हमारा इसी तरह से है, इस तरह से शो करना है हमें। तो चलिए यहाँ पे हम इफ की मदद लेते हैं। इफ अगर ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू हमारा 30 है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 30 है तो यहाँ पे आना चाहिए फेल। इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया क्योंकि टेक्स्ट है, किसी भी टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मूले में इन्वर्टेड कोमा में ही लिखा जाता है। फिर वापस हमने दूसरा इफ लगाया कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर ये लेस देन इक्वल टू हमारा 80 है, क्योंकि सिक्वेंसली स्लैब है इसलिए इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू अगर 80 है सर, मुझे याद नहीं था, नोट कीजिए किससे, गोटू मीटिंग है, जूम, जूम का आईडी सेम होता है। हाँ चल रहा है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे लिख दिया मैंने थर्ड, हाँ थर्ड डी आई। और फिर अगेन इफ दिया और यहां पे सिलेक्ट किया और बोला हमने कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ए नहीं 60 पे करना था ना, यहां पे देखिए ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, यहां 80 होगा कि 80 है तो यहां आना चाहिए सेकेंड डिवीजन। वापस इसमें हम इफ लगा रहे हैं और इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि अगर ए लेस देन 100 हुआ तो यहां पे फर्स्ट डिवीजन। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे हमने पहला कंडीशन लगा इफ, अगर इफ लेस देन 30 है तो यहां पे फेल कर दे और ये बाकी सारे इफ को इग्नोर कर दे। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में है, ध्यान रखिएगा। तो यहां अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे इफ को चलेगा, वो चेक करेगा क्या ए लेस देन इक्वल टू 30 है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर 10 भी तो लेस देन इक्वल टू 60 है तो यहाँ पे थर्ड डिविजन इतना ही नहीं, क्योंकि दूसरा इफ जो है पहले इफ के फॉल्स पार्ट में, जब तक 30 से बड़ा नहीं होगा तब तक ये दूसरे इफ को फॉरवर्ड ही नहीं करेगा।
तो दूसरे इसको फॉरवर्ड किया इसने, इसका मतलब है कि 30 से बड़ा है। उर्दू लेस देन इक्वल टू 30 है, 60 है, तो थर्ड डिवीजन आए और फिर कंडीशन दिया हमने कि इफ 40 अगर लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे सेकेंड डिवीजन हो। ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे कंटिन्यूअस वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करता रहता है। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यस पे क्लिक कीजिए, ब्रैकेट अपने आप क्लोज हो जाएंगे और इसके सामने आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तो सीक्वेंस है, इसलिए ना अगर मान लीजिए कि आप इंसेंटिव ही दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे देना है कि भाई कुछ इस तरह से देना है कि अगर 25 से 60 हुआ तो हमें इनको 20 रुपए यूनिट दे देना है, 20 रुपए यूनिट देना है। और 5 टू 95 है तो उनको 40 रुपए यूनिट देना है और बाकी को जो बाकी इसके अलावा 15 रुपए देना है। मतलब कि अगर इसको मैनुअली करें, देखिएगा अच्छी तरह से, रजनीकांत जी गुड मॉर्निंग, काफी लेट हो गया आज आपको। गुड मॉर्निंग, मेरा सिस्टम भी अपडेट हो रहा था, मैंने एक अपडेट मांग दी। मुझे बता देते, रिप्लाई कर देते तो मैं वेट कर लेता, बट आपने रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे हमें इस तरह करना है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है वो इसमें है, ग्रुप में है, बिटवीन में है, तो हम यहाँ इफ के साथ एंड का इस्तेमाल, रिगार्डिंग का परमिशन दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने बोला कि एंड, हमने इसको बोला कि अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और दूसरी कंडीशन दे रहा हूं कि लेस देन इक्वल टू 60 है, अगर ऐसा है तो अब इसमें 20 रुपीज यूनिट है, मतलब कि इसकी जो फिगर है उस फिगर को मल्टीप्लाई कर देना है 20 से। फिर यहां पर हम कंडीशन देना है कि इफ अगर इसके बाद फिर एंड करना है कि एंड इसको सेलेक्ट किया, अगर ए लेस देन इक्वल टू 85 और फिर इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 95 है तो हमें क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 40 से, अदरवाइज कोई और नंबर है तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो वो हम एल्स में दे देते हैं कि यहाँ पे हमने बिटवीन को यहाँ पे अलग से दे दिया कि 25 और 60 के बीच को 20 से मल्टीप्लाई कर दो है, तो अगर ऐसा नहीं है 18 85 और 95 के बीच में है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इन दोनों में से नहीं है कोई और है क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि कैटेगरीज में अन कैटेगरी में है तो उसको हमने 15 से कर दिया। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारा रिजल्ट आपके सामने होगा। रजनीकांत जी, रोहित जी, समझ में आया आप लोगों को? नहीं, मुझे तो घर नहीं आया। रोहित जी आपको नहीं आया?
किसको समझ में नहीं आया? रजनीकांत जी समझ में आपको आया कि नहीं? नहीं मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया था। नहीं बेसिकली कंडी इस फॉर्मूला सर मुझे समझ आ रहा है और सर इसका यूज सर कहाँ पे है? मैं बताता हूँ, पहले रजनीकांत सवाल देता हूँ। रजनीकांत जी क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, हमने दो अभी तीसरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया यहाँ पे। पहली क्वेश्चन था कि यहाँ पे जीरो टू यहाँ पे स्लैब है हमारा, स्लैब के अकॉर्डिंग मुझे इंसेंटिव देना है। तो 0 टू 40, 41 टू 80, 81 टू 100 और लेस देन 100 हो तो ये आना चाहिए। यहाँ पे हमने वही कंडीशन अपनाया था जो कि लास्ट क्लासेज में हमने और के साथ किया था, याद होगा? इसमें हमने आईडी प्रूफ वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। जी हाँ, कोई कंडीशन किया था, बस यहाँ ओके और पेन ओके का जगह पे हमने फिगर डाल दिया। ठीक है, कि अगर ए टू लेस देन 40 है तो 500, ए टू लेस देन 80 है तो 80, 1000, अगर ए टू लेस देन 100 है तो 2000, ग्रेटर देन 100 तो 5000, कंटिन्यूअस एक इफ दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में चलाए। और इसी इसी पे हमने यहां एंड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे देखिए सीक्वेंस में ऐसा सीक्वेंस में होने के कारण एंड की जरूरत नहीं है, हमने सीक्वेंस ही दे दिया है। इसमें अभी मैं समझाया कि अगर 40 से छोटा होगा तो 500 देगा और बाकी को इग्नोर कर देगा। ठीक है, अगर ए 80 अगर नहीं होगा तो दूसरे और करेगा, फिर दूसरा होगा तो रिजल्ट दे देगा वरना बाहर आ जाएगा, फिर तीसरे का करेगा, फिर चौथे का करेगा। इस तरह से स्लैब को आगे यूज बढ़ाएगा। और यहां भी सेम चीज है क्योंकि तो यहां भी सीक्वेंस है हमारा पूरा, लेकिन इसमें हमने टेक्स्ट दिया हुआ है तो हमने एग्जांपल दिया कि टेक्स्ट किस तरह से कर सकते हैं, वरना कंडीशन तो सेम है जैसे हमने यहां लगाया है। लेस देन 30 है तो फेल, 60 है तो थर्ड डिवीजन, 80 है तो सेकेंड डिवीजन, ऐसे हम हर एक को देते चलेगा। बट यहां यहां पे थोड़ी सी हमने कंडीशन चेंज की है। कंडीशन चेंज क्या है कि मेरे पास स्लैब नहीं है, हमारे पास कुछ बिटवीन नंबर्स है कि 25 टू 80 हो, 85 टू 90 हो, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 20 से, मल्टीप्लाई करना है 40 से, या बाकी जो बचता है उससे 15 से करना है। तो यहां पे क्या है कि कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमने अपनी कंडीशंस को एंड के अंदर में डाला है कि अगर ए ए 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, ए 18 लेस देन इक्वल टू 60 है, तो अगर तो क्या होगा कि 25 और 60 के बीच में अगर होगा तो ये जो इसकी जो नंबर है उस नंबर पे को मल्टीप्लाई और सेम चीज यहां हुआ 85 टू 95, इसके अलावा जो रेस्ट बचता है उसको 15 से मल्टीप्लाई करें। देखिए और का इस्तेमाल कब होता है, जो हमें चॉइस चाहिए भाई 20 या 25 हो, 20 पे कर 30 पे, समझ गए? लेकिन यहां पे क्या है 20 से 25 मतलब 20 से बड़ा और 25 से छोटा। ओके ओके, अब समझ में आया जी रजनीकांत जी आपको? जी हाँ समझ आ गया। तो ये हमारा नेस्टेड इफ की पॉलिसी थी, उसी अकॉर्डिंग हम दे रहे दिखावत आ रहे थे। तो अब मैं आता हूं अंसारी जी के सवाल के जवाब पे कि इनका यूज क्या है। ये तो आप जानते हैं कि अगर आपके
यहाँ अगर मान लीजिए किसी रिजल्ट्स को ले रहे हैं, ग्रेडिंग दे रहे हैं या इंसेंटिव दे रहे हैं, तो एक स्कोरिंग कर रहे हैं, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। आप किसी स्कूल का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, वहां पर रिविजन देने हैं, तो आप इस मेथड का अप्लाई करोगे। उसके बाद मान लीजिए कि आपकी क्यूसी टीम में काम कर रहे हैं, कस्टमर की रेट के अकॉर्डिंग कस्टमर ने क्या किया है कि हर कॉल को रेट दिया है, चार में से दो, चार में से तीन, उस रेट का समरी है, उस समरी के रेट के अकॉर्डिंग आपको देना है, ग्रेड देना है एबीसीडी या फिर गुड फेयर एक्सलेंट गुड फेयर पुअर, तो इसका इस्तेमाल होता है। किस कॉल सेंटर में आप काम कर रहे हैं और आपके पास अगर कॉल्स का सुन के आपको कस्टमर कॉल्स है, जो कस्टमर का कॉल्स टेलीकॉलिंग अटेंड किया है और कॉल काटने के बाद उसने एक रेट किया है, अब आपको उस कॉल्स को ग्रेड करना है, एक्सीलेंस पुअर, एक्सीलेंस गुड फेयर पुअर, इसमें तो इसमें आपको आपने कंडीशंस को इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो बहुत सारे जगह इसका यूज होता है, ठीक है। हमने टोटल इफ की चार क्लासेस आप लोगों को दिया, जिसमें हमने इफ को बेसिक से एडवांस तक सिखाया, उसमें एंड और साथ में हमने इफ एरर भी सिखाया, राइट। टाइम आता है मुझे इस चीज को जानने का कि आप लोगों को कितना समझ आया, ये भी जरूरी है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इफ आपका छोटी मोटी चीज नहीं है, आप वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग या और भी चीजें सीखेंगे वहां भी आपका इस्तेमाल होगा इफ फॉर्मूला। इफ कंडीशन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिस क्वेश्चंस को आपको करके दिखाना है, ताकि मुझे आइडिया लगे आप लोगों ने कितना सीखा है। तो कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है, मैं निकाल रहा हूं, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करके फिर आप सबको भेज दूंगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आइए, हमें कमीशन निकालना है। ये हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटीज है और 40 रुपीज पर क्वांटिटी हम कमीशन देते हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों को कमीशन देते हैं जिनका सेल्स ग्रेटर देन 60 का ऑर्डर होता है। तब एक मॉल में एक ऑफर निकला हुआ है कि अगर आप से ऊपर टी शर्ट लेते हैं तो हर टी शर्ट पे 40 रुपीज का आपको डिस्काउंट फ्लैट मिलेगा, समझे कि नहीं। लेकिन इसको आप निकालोगे, लेकिन उसको आप विदाउट इफ भी निकालना है, इस कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा कंडीशन, दूसरा है हमारे पास सिंपल है, अगर मार्क्स गेटर देन 40 है तो रिजल्ट पास, अदरवाइज। हेलो, ये सिंपल, हां सिंपल है सर। तीसरा है कि अगर एरिया डिस्टेंस जो है अगर गेटर देन 200 तो स्टडी एरिया आएगा, अगर 200 से नीचे है तो लोकल एरिया आना चाहिए, सिंपल है। चौथा क्वेश्चन है टैक्स निकालना है,
अगर आपका हमें क्या है कि दो तरह की टैक्स लेने की बात की गई है कि अगर 500 से ऊपर की प्राइस सेल करते हैं तो 12% का टैक्स भरना, अदरवाइज 5% टैक्स कैलकुलेट करना आपको। पांचवा क्वेश्चन है कि इसमें ओवर टाइम और नॉर्मल टाइम निकालना है। अगर ड्यूटी रात के 10 बजे से ऊपर होती है तो ओटी आना चाहिए, अदरवाइज एनटी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसमें ए तो मैंने बताया था, पास और फेल आपको शो करना है। एवरी सब्जेक्ट अगर आपका 33 से ऊपर है तो पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल। इसमें आप एंड यूज करेंगे और आपको विदाउट एंड भी करना है, दोनों मेथड यहां पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें ग्रेड निकालना है आपको कि मार्क्स कितने हैं और इस मार्क्स पे आपको इसके अकॉर्डिंग ग्रेड देना है। दूसरा इंसेंटिव आपको निकालना है, दो इंसेंटिव, पहले एक इंसेंटिव दूसरा इंसेंटिव डाउन, मतलब कि इस कंडीशंस के ऊपर आपको यहां इंसेंटिव देना है और साथ में 85 टू 95 हुआ उस पर 800 का और ऐड करना है। मतलब कि हम जो सेल करते हैं उसमें हमें दो इंसेंटिव देती है, मतलब कि क्या है कि हम हमारी जो है दो कंपनी है, एक कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है और दूसरी कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी हमें जो है ए इंसेंटिव हमें देती है और जो प्रोडक्शन कंपनी है वो होता है कि आप 85 टू 95 के बीच का जो ऑर्डर लाते हैं तो हमें उसको मैन्युफैक्चर में अच्छा आसानी होती है, इसलिए हम आपको बढ़ावा देने के लिए 800 रुपए का इंसेंटिव हम अपने तरफ से देंगे अगर आप ऑर्डर 85 टू 95 पे लेते हैं। यहाँ पे ये इंसेंटिव कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर इसमें क्या करना है आपको, ये पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, इनके अलावा अगर तीन इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो तो स्टेटस ओके होना चाहिए, अदरवाइज पैन नहीं। और यहां पे हमने आपको एक्स और का फॉर्मूला समझाया था, इसका अल्टरनेटिव निकालना, एक्स के अलावा क्या यूज कर सकते हैं। एक्स और फॉर्मूला आपके 2016 और 19 में है, उससे लोअर वर्जन में आई थिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप इफ कंडीशन के चैंपियन हो जाएंगे। इसके सॉल्यूशंस जो है यहां दिए हुए हैं, मैं इसको नहीं डिलीट मारता हूं, आप इसमें अपने आप को वैलिडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल टुडे आपके क्वेश्चन नंबर्स 8 के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि किसी ने 16 सेल किया तो उसको दे देना है 700, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सॉरी सर दूसरा खांसी ठीक हुई नहीं है, क्वेश्चन में कहता है कि हम यूनिट के हिसाब से देंगे, मतलब पीस के हिसाब से देंगे। तो अगर जैसे बिजली का बिल होता है, जैसे मान लीजिए आपका इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स में क्या है कि अगर आपका इनकम 3 लाख तक है तो आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, टैक्स में टैक्स रिबेट है आपका। अगर आपका इनकम 5 लाख है तो 0 से 3 लाख का फ्री है, 3 से 2 लाख पे आपको, 3 से 5 मतलब कि 2 लाख पे आपको 10% देना है। अगर आपने 7 लाख रुपए किया हुआ है, आपको इनकम हुआ है, तो आपको 7 लाख का 20% देना है, आपको 2 लाख का 10% देना है, फिर 2 लाख का 10% देना है, क्योंकि अलग अलग स्लैब में है ना।
तो सेम यहां पे भी यही है आपका कि अगर आपकी सेल 40 से नीचे होती है तो 20 रुपए पर पीस देना है, 40 से अगर 40 से 80 होता है 60 होता है, किसी ने मान लीजिए अगर 45 सेल किया है तो उसको 40 पीस 20 रुपए हिसाब से देना है, प्लस 5 पीस जो है 10 रुपए के हिसाब से देना है, 60 रुपए के हिसाब से देना है। अगर किसी ने 85 सेल किया तो 40 पीस 20 रुपए के हिसाब से, 40 पीस 60 रुपए के हिसाब से और 5 पीस 80 रुपए के हिसाब से देना है। तो एक इंसेंटिव ए आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन आप लोगों को हम मेल कर देते हैं। ईमेल आईडी क्या आप लोगों का? राजीव चौधरी जी आ गया और विकास जी सारे हाँ जी ये है ना लिखो और राहुल तिवारी। राहुल जी आपकी कौन सी आईडी है? इसमें नहीं है ना बी ए? अच्छा हाँ सर आप सर ये करेंगे मैसेज राहुल जी फिर अगली कैटेगरी हमारा टैक्स फॉर्मूले की है। यहां से उठा ले तुम भी मेरे पास होगा आपका राहुल और उठा के ना ठीक है सर मिलेंगे मुझे इसको करके भेजिए फिर कल हम आपके साथ मिलते हैं ओके बाय।